दिस इज एंथ्रम कैपिटल। तो इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था कि भाई एंथ्रम कैपिटल कहाँ पे है, उसके बाद मैंशन कहाँ पे, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब आपको अब एंथ्रम मैंशन अगर आपको लेना है तो समवेयर अराउंड 3.89 CR से इसका 3 BHK शुरू हो जाता है। अब क्या है कि इसी समवेयर अराउंड रेंज की चीज़ गोदरेज बनो 3 लगभग आने वाली, जैसे आपको आपको पता है, तो गैप कम हो गया। इस वजह से ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा कि भाई आपको गोदरेज बनो 3 लेना चाहिए या फिर आपको एंथ्रम मैंशन लेना चाहिए। अब इधर से आते हैं जो इनवर्ड फेसिंग होंगे वो टावर EFG इसमें भी हैं, साइजेस हैं लगभग 2700 के आसपास के 4 BHK हैं इसमें अंदर वाले, और बाहर वाले थोड़े कम साइज़ के हैं 3 BHK हैं। अब ये वाले जो टावर आते हैं टावर HJK, अब बेसिकली बात करते हैं किसकी स्कीम की जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, तो है क्या। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू यट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूं M3M की सेल्स गैलरी में सेक्टर 113 वाली, जहां पे मैंने शुरुआत में बहुत सारे वीडियोस बनाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं M3M मैंशन के बारे में, क्योंकि आज हम लोग M3M मैंशन का मॉडल भी आपको समझाएंगे और बहुत सारी और बातें करेंगे। पर्पज़ मेरा आज ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम से M3M मैंशन का वीडियो लाने का ये है कि भाई अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मेरा 2-3 वीडियोज़ गोदरेज 103 का जो अभी लॉन्च है सेक्टर 103 में, उसके वीडियोस आए हुए थे और मुझे पर्टिकुलरली बहुत सही, और जिस रेट में वो चीज़ लाने का प्लान कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट जो है और जो लोकेशन है उसके हिसाब से बहुत सही मुझे चीज़ लग रही है, उस हिसाब से मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा था। लेकिन जब भी दिल्ली से मेरे कोई भी व्यूअर आते हैं, कोई नए व्यूअर आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जब दिल्ली से आते हैं तो बेसिकली ये है इस तरफ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, मैं आपको बता देता हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरफ दिल्ली, यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है ना, इस तरफ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से वो टोल शुरू हो जाता है। इस जगह से यहाँ पे लगभग टोल है जो अभी द्वारका एक्सप्रेस वे वाला टोल है वहाँ से, तो जब आप लोग उधर से NH8 की तरफ से या शिव मूर्ति की तरफ से आते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए और गोदरेज 103 के लिए आते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे से इसी रास्ते से आते हैं, तो होता क्या है कि आपको मैंशन की तो नहीं लेकिन हाँ कैपिटल की, दिस इज़ M3M कैपिटल। तो इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था कि भाई M3M कैपिटल कहाँ पे है, उसके बाद मैंशन कहाँ पे, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कैपिटल की बिल्डिंग्स आपको खड़ी हुई दिखती हैं, लगभग 30 फ्लोर के आसपास तक बन चुके हैं कैपिटल के। फिर आपको स्मार्ट वर्ल्ड का भी काम होता दिखता है, आपको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैंशन भी आया हुआ है इनका, उसका क्या है। तो ये सब देखते हुए आप जब गोदरेज की तरफ आते हैं तो आपका सवाल ये भी आता है कि भाई मैं गोदरेज 103 की जगह अगर वो जो M3M मैंशन है सेक्टर 113 में, वो सबसे अच्छी लोकेशन है ऑब्वियसली, देखिए सेक्टर 113 उसके सामने सेक्टर 111 ये जो सेक्टर है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसके इस साइड में सेक्टर 113 है और इस साइड में जिस तरफ हम लोग खड़े हैं वो 111 है। M3M मैंशन 113 में आ रहा है, तो 113-111 सबसे प्रीमियम सेक्टर बोले जाते हैं। मैंने अपने कई वीडियोज़ में बोला है कि बहुत प्रीमियम सेक्टर्स बोले जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, वो उसका रीज़न ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पे है एकदम, और दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से ही इंसेप्शन हुआ था गुड़गांव का, तो दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत करीब है। बेसिकली मुझे अगर यहाँ से जाना है अपनी कार से, मैंने अपने एक वीडियो में बना के मैं दिखाया भी था, कार से ले गया था आप लोग को, तो एयरपोर्ट की जो वॉल है वहाँ तक मैं 8 मिनट में टच कर जाता हूँ, और यशोभूमि जो है IICC जो है उससे 2 मिनट में टच कर जाता हूँ मैं, है ना। तो अब जो सवाल आता है लोगों का ये आता है कि भाई गोदरेज 103 चलिए अच्छा है, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 103 है, प्राइस भी सही ला रहे हैं, नॉन TOD लैंड पार्सल है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं M3M मैंशन क्यों ना ले लूँ। तो मैं उनसे ये बोलता था कि इसलिए कंपैरिजन नहीं है क्योंकि रेट में बहुत फ़र्क है। तो रेट में फ़र्क इसलिए था क्योंकि भाई ये 23,500 रुपये की चीज़ थी M3M मैंशन, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑफ़र, देखिए M3M बीइंग M3M तो वो कुछ ना कुछ ऑफ़र रहते हैं और कुछ ना ऑफ़र के तहत वो कहीं ना कहीं करके कुछ डिस्काउंटिंग करके कम आता था, लेकिन फिर भी गैप था। तो मैं यही बताता था कि भाई सेक्टर अच्छा है, सेक्टर 113 बहुत सबसे किंग है सेक्टर पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे का, लेकिन फिर भी थोड़ा गोदरेज के कंपेरिजन में थोड़ा महंगा जा रहा है। अब क्या करा, अगेन M3M के ये देखा कि भाई इस वक्त लॉन्च गोदरेज 103 का अच्छा चल रहा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि M3M ने देखा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली कि M3M ने कुछ ना कुछ नया करना था, तो इस वक्त एक नया पेमेंट प्लान के साथ एक नई स्कीम लॉन्च कर दी, जिससे वो गैप जो है गोदरेज 103 की प्राइसिंग का जो गैप है, जो आने वाली है प्राइसिंग लगभग उसकी एक्सपेक्टेड है, और इसका जो अभी प्राइसिंग हो गई है M3M मैंशन की, उसका गैप कम हो गया है। इसका मतलब आपको अब M3M मैंशन अगर आपको लेना है तो समवेयर अराउंड 3.89 CR से इसका 3 BHK शुरू हो जाता है। अब क्या है कि इसी समवेयर अराउंड रेंज की चीज़ गोदरेज 103 भी लगभग आने वाली, जैसे आपको आपको पता है, तो गैप कम हो गया। इस वजह से ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा कि भाई आपको गोदरेज 103 लेना चाहिए या फिर आपको M3M मैंशन लेना चाहिए। इस पूरा इस बेसिस पे वीडियो नहीं होगा, मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यह है कि मैं आपको उस स्कीम के बारे में बताऊँ और मैं
M3M Mansion का मॉडल आपको समझाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई क्या है, क्या चीज़ें। तो शुरू करते हैं हम लोग मॉडल से, उसके बाद फिर स्कीम पे आएंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग ये है द्वारका एक्सप्रेस पे, इसके इस तरफ मैंने बताया जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड मंडी एक्सपी है उस तरफ दिल्ली है। ये M3M Mansion का आपको पूरा लैंड दिख रहा है, ये पार्सल दिख रहा है जो कि 10 एकड़ का लैंड पार्सल है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये जो आपको दिखता है कॉमर्शियल M3M कैपिटल वॉक, वो ये है, इसी के ऊपर M3M कैपिटल आ रहा है। इसके लगभग 13 टार्स रहेंगे M3M कैपिटल के, और ये 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, आप अगर वाइड एंगल में देखें, मैं अभी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं पहले आपको ये डेटा बता देता हूं कि हम लोग अभी कहां पे हैं। अभी हम लोग हैं M3M की सेक्टर 113 की सेल्स गैलरी में, तो समवेयर अराउंड हम लोग अभी यहां पे हैं, जहां हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जहां पे ये सेल्स गैलरी बनी हुई है वो इस जगह से है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो यहां से अब देखिए कि अब आपको समझ में आएगा कि हम ये कहां पे चीज़ें आ रही है। तो बेसिकली अब थोड़ा वाइड एंगल में आपको चीज़ दिख रही होगी कि वाइड एंगल में ये जो टावर्स हैं ये M3M कैपिटल के हैं, बीच में लगभग 7.5 एकड़ का M3M कैपिटल का पटिंग गोल्फ वाला थीम है, जो गोल्फ थीम जाहिर सी बात है मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स को और सब लोग को गोल्फ थीम बहुत पसंद आती है, क्योंकि थोड़ा सा एरिस्टोक्रेटिक चीज़ होती है तो वो पसंद आती है बहुत, इसी वजह से कैपिटल इतना ज़्यादा चर्चा में है। आज भी कैपिटल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी के तर्ज पे M3M ने M3M Mansion लॉन्च करा था, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, उसके ऊपर नई स्कीम आई है उसके ऊपर हम बताएंगे, लेकिन बेसिकली आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी ये आ गया M3M कैपिटल के टावर्स, M3M कैपिटल का एरिया। अब यहाँ से इस जगह से जो ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज आप अगर देख रहे हैं तो ब्रिज जा रहा है, यहाँ से ये लैंड पार्सल शुरू हो जाता है M3M Mansion का। तो M3M Mansion का भी 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, ये टोटल देखा जाए 15 एकड़ का लैंड पार्सल है टोटल मिला के अगर देखा जाए, क्योंकि बीच में कोई वॉल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टावर्स जो हैं वो M3M Mansion के हैं। अब M3M Mansion के यहाँ टावर्स होने से फ़ायदा क्या है, ये जो इस तरह के टावर्स हैं या जो ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, बेसिकली ये अभी ये जो आपको दिख रहा है ये टावर्स, ये दो ए और बी नंबर टावर हैं, ये अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करे हैं, ये आगे जब प्राइस बढ़ा के लगभग एक्सपेक्टेड है ज़्यादा प्राइस जब आगे चल के ये लॉन्च करेंगे इसमें, लेकिन साइज़ भी बड़े हैं। और इसके बगल वाले जो टावर्स हैं वो सी ओ डी टावर्स हैं, ये इसका क्लब हाउस है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये इसका क्लब हाउस है। और ये एक टावर, टावर ई एफ जी है ना, तो कितना कैसे हो गया, पहले टावर समझ लीजिए, ए बी फ्यूचर डेवलपमेंट है टावर, उसके बगल में सी डी टावर है ना, और वो जो आउटर अगर फेसिंग देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेस वाली फेसिंग आएगी उसकी, जो आउटर फेसिंग फ्लैट्स होंगे, और इनर फेसिंग फ्लैट जो हैं वो इधर क्लब हाउस फेसिंग और ये गोल्फ फेसिंग होंगे। अब इधर से आते हैं जो इनवर्ड फेसिंग होंगे वो टावर ई एफ जी, इसमें भी हैं साइजेस हैं लगभग 2700 के आसपास के 4 BHK हैं इसमें अंदर वाले, और बाहर वाले थोड़े कम साइज़ के हैं 3 BHK हैं। अब ये वाले जो टावर आते हैं टावर एच जे के, अब क्या है, ये मुझे टावर्स मैं सही बताऊं तो बहुत पसंद है, ज़्यादा पसंद इसलिए हैं क्योंकि इनमें जिन लोग ने इंटरनल फेसिंग वाले लिए, इंटरनल फेसिंग वाले यानी 4 BHK लगभग 3125 स्क्वायर फीट का 4 BHK इसमें है, वो अगर लेंगे तो आपको व्यू जो है ना वो इसका पूरा गोल्फ थीम का मैंशन का व्यू तो आएगा ही, साथ में आपको कैपिटल का भी व्यू आएगा पूरा। तो बेसिकली आपको लगभग 7.5 एकड़ इसका और 7.5 एकड़ 15 एकड़ का पूरा गोल्फ का लॉन्ग पूरा थीम का व्यू आएगा, जो कि आज अगर देखा जाए तो गोल्फ स्टेट के अलावा कहीं पे इतना बड़ा गोल्फ वाला है नहीं कि आपको इतना लंबा व्यू आए। तो इसके आपको डुअल एडवांटेज मिलती है कि आपको इसका मैंशन का भी मिलता है व्यू और आपको कैपिटल का भी व्यू मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटीज़ मैंने आपको कोशिश करी है चीज़ बताने की, बहुत सारी चीज़ें आप जब आएंगे यहाँ पे, और आना ही पड़ेगा आपको अगर आपको चीज़ लेनी है, क्योंकि ये ऑफ़र जो मैं अभी स्कीम बताने वाला हूँ ये स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, और वो बहुत कम टाइम के लिए रखी गई है, वो है इसीलिए कि थोड़ा सा मार्केट को ग्रैब करने के लिए, और क्योंकि लॉन्च जो है वो गोदरेज वनोथ्री का भी जाहिर से बात है बहुत ज़बरदस्त लॉन्च है, तो मार्केट को ग्रैब करने के लिए M3M ने एक स्कीम निकाली है, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है, अगेन हम लोग आ गए हैं इस तरफ, इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। अभी रिसेंटली मैं क्या कर रहा था, मैं सुबह एयरपोर्ट से आ रहा था, फ्लाइट थी मेरी, तो मैं एयरपोर्ट से आया जब, तो उस वक्त सनराइज़ का टाइम हो रहा था एकदम, तो वहाँ से जब आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ से इस तरफ से मूव करते हुए तो सूरज इधर से निकल रहा था, दिस इज़ ईस्ट। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो आंखों देखे चीज़ बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही थी, दिस इज़ ईस्ट वेस्ट, ऑब्वियसली मतलब ऐसे जाता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। अब क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, तो इधर वाले जो टावर्स होंगे, इधर वाले इस तरह वाले टावर्स होंगे जो इस तरह फेसिंग है, इंटरनल वाले भी टावर्स अगर आप देख लीजिए जो जे और के और एच मैंने बताए थे, वो इस तरफ वाले जो हैं जिस तरफ ईस्ट फेसिंग है, उधर आपको धूप भी बहुत अच्छी मिलेगी और
साउथ होता हुआ जाता है सूरज सर्दियों में, तो साउथ होता हुआ जाएगा तो आपको शाम की धूप भी मिलती रहेगी उसमें, क्योंकि उसकी बालकनी रैप अराउंड होते हुए थोड़ी सी साउथ फेसिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इसकी बात हो गई। अब बेसिकली बात करते हैं किसकी, स्कीम की, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। तो है क्या, पहले इनकी 400 स्टार वाली स्कीम चल रही थी, जिसमें कुछ पेमेंट प्लान 2080 वाला बोला जा रहा था, लेकिन बेसिकली 2080 नहीं था वो, 2020 और फिर आगे ऐसा, पहला 20% देना, फिर अगला 20% देना, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और टाइम पे देना था, तो 5 में डिवाइड हो गया था वो, 400 का करके था। उसके हिसाब से जो आ रहा था रेट 23,500 रुपये आ रहा था, और डिस्काउंटिंग करके मतलब बहुत सारा 3 तांबड़ा लगाया गया था उसमें, हिसाब से लगभग 2,000 रुपये की डिस्काउंटिंग आ जाती थी लगभग, मैं बताऊँ आपको 2,000 रुपये की डिस्काउंटिंग आ जाती थी, डिपेंडिंग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है वो चीज़। तो 21,500 रेट आ जाता था इसका। तो अभी क्या है कि एक नई स्कीम निकाल दी उन्होंने, इसमें क्या है पेमेंट प्लान जो ऐसा है कि 35% पहले आपको शुरू में विदिन 60 डेज आपको 35% देना होगा। बेसिकली इसको आप 35-35 वाला पेमेंट प्लान बोल सकते हैं, 35% आपको देना है 60 डेज में, मतलब बेसिकली 1,000,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है, जिसको ये लोग EOI अमाउंट बोल रहे हैं। अब EOI को मतलब नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेरा इसका आ चुका है मेंशन का, तो 1,000,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है। उसके बाद फिर 10% आपको विद इन 1 मंथ देना है, फिर बाकी बचा हुआ आउट ऑफ 35% जो 25% है उसके लिए आपको फिर 1 महीने का टाइम मिल जाता है, 35% हो गया। अब उसके बाद अगला जो 35% है वो है अगले 18 महीने में, 18 महीने बाद फिर 35% आएगा, ये कितना हो गया 70% हो गया। अब जो 20% अगला है वो सीधे OC अप्लाई जब करेंगे ये लोग, यानी कि आज से लगभग 4 साल बाद OC जब अप्लाई करेंगे तब वो उसका 20% डिमांड आएगी, बीच में कोई डिमांड नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको पहले 35% के बाद अगले 35% के लिए भी अच्छा 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का टाइम मिल रहा है आपको प्ले करने के लिए, आपको अपना अगर अप्रिसिएशन कमा के निकलना है तो। और एंड यूज़र के लिए भी जिनको है उनके लिए भी मतलब अपने हिसाब से होता है, एंड यूज़र को तो अपने हिसाब से देखनी पड़ती है चीज़ की लोन लेना है उसको या क्या करना है। और इसके लिए भी लोन पार्टनर्स भी लोग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो ऑलरेडी रोप इन हो गया है लोन का, अगर आप सोच रहे हैं, और भी बैंक्स से बात हो रही है M3M की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो आ गया है, वो तो कर रहा है इसमें। तो अब क्या है कि आपने ये वाला स्कीम हो गई, अब जो OC पे था वो हो गया 20%, फिर अपना पोजिशन पे फाइनल 10% हो गया। तो ये है स्कीम। अब इसके तहत आप कहेंगे भाई ये तो यार 20% पहले देने वाली ज़्यादा सही थी, इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि 35% आप दे रहे हैं लेकिन आपका जो रेट आ रहा है, जो पहले आ रहा था 21,500 आ रहा था फाइनल रेट, यानी कि 2023,500 माइनस 2021,500 आ रहा था, अब वही चीज़ 20,500 हो गई है। 20,500 के ऊपर भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है हम लोग ऑन कॉल ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत हिडन चीज़ है और हर चीज़ वीडियो में नहीं बताई जा सकती क्योंकि शफल होती रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई वो 20,500 का जो रेट है, 20,500 का रेट है इनवर्ट फेसिंग के लिए, 19,900 का रेट है आउटवर्ड फेसिंग, अगर आउटर फेसिंग दोनों तरफ अगर आउटर फेसिंग यूनिट्स आपको अगर लेनी है तो 19,900 का रेट है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये रेट आ गया है बहुत अच्छा है इस स्कीम में, कहीं जो आपने चीज़ मिस कर दी, जिन लोगों ने चीज़ मिस कर दी थी, आप लोगों ने सोचा था कि यार मैं नहीं ले पा रहा हूँ और सारी चीज़ें रेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, फिर से एक बार मौका आया है आप लोग के लिए कि आप उसमें ले पाएँ, और 19,900 और 20,500, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा सा बफर है जो हम लोग कैसे हो सकता है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो हमको ऑन कॉल बताएंगे, या हैशटैग आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर #M3M मेंशन लिख देंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या स्कीम है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें अगेन अगर गोदरेज की बात करें तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं चाहे तो आपको कार से ले जाके दिखा दूंगा, आप मुझे बताइएगा, जब हम लोग आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, आप बताइएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए उसको। M3M 113 वर्सेस गोदरेज, मतलब मैंशन 113 और गोदरेज 103, इसका अगर कंपैरिजन, अगर पूरा डिटेल वीडियो आपको देखना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो भी ले आऊँगा, लेकिन अभी इस वीडियो में ये बताना ज़रूरी था कि आपका जो छोटा वाला साइज़ है 2080 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK इसका है, जिसमें और हर साइज़ में सर्वेंट क्वार्टर है, इसमें 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, आपको ये पूरा जो व्यू मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन मिल रहा है, 113 की सबसे जो प्रीमियम लोकेशन है पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे की, एयरपोर्ट के पास वाली, दिल्ली के पास वाली, वो आपको मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका बजट छोटे साइज़ का वही है कि 3.89 के आसपास के, तो 3.89 से चीज़ शुरू हो सकती है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको 35% और सारी चीज़ें, नहीं तो हम लोग तो ऑन कॉल बात करेंगे तो समझेंगे उस चीज़ को। और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको ये मॉडल समझ में आ जाए, लैंड पार्सल कहाँ पे, मैंशन का कोई कन्फ्यूजन न रहे कि कैपिटल कहाँ पे है, मैंशन कहाँ पे है, स्मार्ट वर्ल्ड कहाँ पे, और आप इस स्कीम को समझ जाएं। और क्योंकि ये स्कीम अभी
बताया है तो यही है ऑब्वियसली कि बहुत कम टाइम के लिए है, है ना। अभी बिल्कुल आई ही है स्कीम, जैसी स्कीम आई वैसे मैंने आपको इसका वीडियो बना दी ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो बहुत कम टाइम के लिए स्कीम है, ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात से कि आपको समझना ये है कि भाई एक एग्जाम्पल से कि भाई आप अगर मान लीजिए इस वक्त गर्मी के टाइम पर एक आपने जैकेट देखी, जैक एंड जोन्स गए आप, जैक एंड जोन्स में अभी लेदर जैकेट देखी आपने एक, और वो अभी 8,000 रुपये की पड़ रही है ना। आपने अगर वो जैकेट अभी ले ली तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑफर चल रहे होंगे, ऑफ सीज़न है, ऑफर चल रहे होंगे, तो उसमें आप ले ली तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। वही सेम जैकेट आप सर्दियों में जाके लेंगे तो कहीं ना कहीं 16-18 हज़ार रुपये की पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त उसको कोई ऑफर नहीं होगा, क्योंकि सीज़न में ले रहे हैं आप चीज़। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, बात यह है कि इसके लिए इतनी समझ होनी चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि गर्मी में सर्दियों की चीज़ ले ली जाए लेकिन सही प्राइस में ले ली जाए। अगर आपके अंदर वो समझ है, वो दूरदर्शिता है, तो आप इस नंबर मुझे कॉल करिएगा, आई जाएगा कॉल आपका ऑब्वियसली, या हैशटैग M3M मैंशन, हैशटैग मैंशन वनमंत्री आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, इतनी से बात करनी थी मैं आपसे, अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।